बिग बॉस 13 की क्वीन कही जाने वाली शहनाज गिल के दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उनका नया गाना सोना सोना जल्द ही रिलीज होने वाला है और आपको बता दें इसके रिलीज से पहले कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें हम कह सकते हैं बिहाइंड द शो पिक्स। जी हाँ, शूटिंग के दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर यूं तो वायरल हो रही हैं, लेकिन हाल ही में एक छोटा सा वीडियो सामने आया है शहनाज गिल का। इस वीडियो में शहनाज हाय करती हुई नजर आ रही हैं अपने सभी फैंस को और उनकी किसी फैन ने ये वीडियो बनाया है, आपको बता दें। साथ ही साथ शहनाज अपनी हेयर ड्रेसर के साथ भी नजर आ रही हैं। इनकी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और वहीं सिद्धार्थ शुक्ला एक कोट में नजर आ रहे हैं सुमित कुमार के साथ। सुमित कुमार आप जानते हैं कोरियोग्राफर हैं और साथ ही साथ इस कोरियोग्राफर के साथ सभी की प्यारी शहनाज गिल भी नजर आ रही हैं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ने सोना सोना सॉन्ग पर बहुत मेहनत की है, आपको बता दें कड़ी मेहनत के बाद इनका ये गाना तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि जो गाना 15 दिनों में तैयार होना था उसे इन्होंने 4 दिन में तैयार किया है और बड़ी शिद्दत के साथ इन्होंने पूरे गाने पर मेहनत की है। आप देख सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला शॉर्ट्स में नजर आ रहे हैं और इनकी एक और तस्वीर है जो बिहाइंड द सीन शोज की है। वही बिहाइंड द सीन जो पिक्चर सामने आई है उनमें जो वीडियो सामने आई है शहनाज गिल की, पीछे क्रोमा नजर आ रहा है। शहनाज क्यूट से अंदाज में हाई करती हुई नजर आ रही हैं, ये उनके फैंस को बहुत लुभा रहा है। इसी बीच जानकारी देते चले कि सिर्फ एक दिन रह गया है और ये कहना गलत ना होगा कि महज कुछ ही घंटे रह गए हैं इस गाने सोना सोना को आने में। देसी म्यूजिक फैक्ट्री प्रोडक्शन के तले बने इस गाने को टोनी कक्कड़ ने गाया है और नेहा कक्कड़ की भी आवाज आपको सुनने को मिलने वाली है। वहीं पूरी प्रोडक्शन टीम और सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल यानी कि सिडनाज पूरी मेहनत के साथ इस गाने को लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें भुला दूंगा सॉन्ग के बाद सिडनाज का ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। बहुत जल्द आपको इन दोनों का एक नया गाना सुनने को मिलने वाला है। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की ज्यादातरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।